दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा और मौतों पर बोलते हुए सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये दुख नहीं चिंता की बात है। इतने सारे लोग घायल हुए और कई मारे जा रहे हैं। केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि इसकी जड़ कहाँ है। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा न हो, ये जिम्मेदारी भी केंद्र की है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा को देखते हुए जबलपुर में अलर्ट जारी किया गया है। साइबर टीम सोशल नेटवर्किंग साइट पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही ऐसी किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 23 जिलों में 115 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलेगी। सरकार दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर वेलनेस सेंटर्स को खोलेगी, जिससे सेंटर्स पर टाटा ट्रस्ट तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग देगा। सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में टाटा ट्रस्ट और सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ था। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खोले जाने वाले सेंटर्स में मरीजों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहेगा। ट्रस्ट की टीम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देगी। एमएसएमई मंत्रालय ने देश के इस सेक्टर से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी राज्य में एमएसएमई को विकसित और प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार मिला। देश भर में दूसरे स्थान पर रहे छत्तीसगढ़ को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्री क्वासी लखमा को अवार्ड दिया। मध्य प्रदेश में मालवा के सालरिया में देश के पहले कामधेनु गौ अभयारण्य में देखरेख के अभाव में लगातार गायों की मौत हो रही है। जानकारी मिलने पर गौ अभयारण्य से जुड़े राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग गौ अभयारण्य पहुंचे और गौ अभयारण्य प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौ अभयारण्य में एक दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो गई और कई दर्जन गायें गंभीर रूप से बीमार थीं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के भैरव नगर में लापता हुई देविका की लाश उसके ही घर के पास बने एक कुएं में मिली। मैदान में खेल रहे बच्चों को जब कुएं के पास से बदबू आई तब इस बात का पता चला। जब उसमें झांक कर देखा गया तो एक बच्ची के पैर कीचड़ में सने हुए दिखाई दिए। बच्ची के कपड़ों से उसकी पहचान हुई। बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा और जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश में छतरपुर के मजगवां गांव में खेत में पानी देने के विवाद पर तीन गांव वालों ने एक किसान की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर हालत में किसान मोहन पटेल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में धार के डही गांव में सीएम कमलनाथ ने 1085 करोड़ की लागत की माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से 106 गांव के 47,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से ग्रामीणों को पीने का साफ पानी भी मिलेगा। बैतूल में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद पुलिस महकमे पर सवाल उठने लगे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी घटनास्थल तक नहीं पहुंची इन्वेस्टिगेशन टीम। गृह मंत्री बाला बच्चन बोले, शिकायत न करने की होगी जांच। वहीं वीडी शर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में दर्ज हुआ केस। पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुआ है। हालांकि रमन सिंह ने इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।